मेरा नाम सैयद अहमद शाह अब्दाली है। मैं 35 साल से आर्ट के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पेशावर से डिप्लोमा लिया था 76 में स्कल्पचर, और बेसिकली मैं स्कल्पचर हूँ। लेकिन हमारे इलाके में चूंकि इसको बुत परस्ती और इसके ज़ुमर में आता है, इसलिए मैं फिर कैलीग्राफी की तरफ आया। और कैलीग्राफी में मेरे उस्ताद इस्माइल बाबर हैं और सैयद इकबाल साहब, उनके उस्ताद सैयद इकबाल साहब थे जो मेरे दादा उस्ताद हैं, और एमएम बशीर जो पेशावर के जो उस्ताद हैं वो भी हमारे दादा उस्तादों में से हैं। कराची से मैंने ग्रेजुएशन की फ़ाइन आर्ट में, और काफ़ी अरसे तक मैं एडवर्टाइजिंग के शोबे से भी मुंसलिक रहा। बार भी कई ममालिक में जा चुका हूँ मैं इसी आर्ट्स के सिलसिले में। ये जो मैं काम करता हूँ वुड आर्ट, ये तकरीबन कोई 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इटली में मिलान में भी आर्टिस्टों को देखा है जो ये काम कर रहे थे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का काम था, स्टैचूज़ वगैरह उनका था, और वो मुख्तलिफ चीज़ें लकड़ी पे बनाते थे। मेरे जहन में ये था कि पाकिस्तान के तशख़्स को उजागर करने के लिए कोई ऐसा काम किया जाए कि जो पूरी दुनिया में यूनिक हो। स्पेशली जो मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये पोर्ट्रेट्स जो हैं, ये आप इसको कार्विंग ही समझेंगे, लेकिन मैं चार तरह की कार्विंग करता हूँ। कि आपने देखा होगा कि ये जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, वो जब आप एक तस्वीर पेंट कर रहे होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है, हर तरह के कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करते हैं वो टोन कलर्स, उन कलर्स से निकालते हैं वो। लेकिन मेरे पास चूँकि कार्विंग से मैं ये पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, लकड़ी का एक नेचुरल कलर है वो एक ऑप्शन है, और एक जो है ना वो जो इसके ऊपर पिगमेंट कलर्स मैं इस्तेमाल करता हूँ जो है डार्क होता है वो। तो इन तो मैंने जो कुलिया अपना बनाया है कार्विंग का, उसमें ये है कि डार्क इनटू डीप और लाइट इनटू स्लाइट, यानी पेंटर इन दो उसूलों के ऊपर काम करते हैं कि जो डार्क कलर है और लाइट कलर है, तो डार्क कलर का पहले बेस लगाते हैं, लाइट कलर से उसको वो लाइट्स देते हैं, और दरमियान में जो मिडल टोन्स हैं वो उसी में ही बना के कलर में, जिस तरह फेस कलर है फेस का वो करके। लेकिन मेरे पास ना चूंकि ये ऑप्शन नहीं है, तो मैंने अपने तौर पे इसमें ऑप्शन निकालने के लिए चार तरह की कार्विंग शुरू कर दी, और ये मैं पूरी दुनिया में खुद ही कर रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं भी ये नहीं हो रहा है। तो वो जो मिडल टोन्स हैं जो पोर्ट्रेट्स में मैं शो करता हूँ, वो मैं डॉट्स से शो करता हूँ। तो चार तरह की कार्विंग करता हूँ, डीप कार्विंग, स्लाइड कार्विंग, डॉट कार्विंग और सेंडर, इससे मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, और पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। मेरा काम काफ़ी मुल्कों में जाता है, लोग मुझे काफ़ी मुल्कों से ऑर्डर भी देते हैं, जिस तरह दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, हॉलैंड से रशिया तक से मुझे ऑर्डर मिलते हैं, तो मैं उनको पोर्ट्रेट्स देता हूँ। इस वुड के ऊपर कैलीग्राफी भी करता हूँ, पोर्ट्रेट्स भी बनाता हूँ, सीनरीज भी बनाता हूँ, हर तरह की वो बनाता हूँ चीज़ें। मेरी शॉप जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज इस्लामाबाद में है। तो आप आएँ यहाँ पे और आपको हर तरह की के आर्ट, हर तरह का आर्ट मिलेगा। मेरा भी काम यहाँ पे आपको मिलेगा, और ऑनलाइन भी मैं काम करता हूँ। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो इस पे मुझे लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स देते हैं, और वो जो ट्विन सिटीज़ हैं उसमें मैं फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी भी देता हूँ। आप अपनी पोर्ट्रेट्स या अपने प्यारों की पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी वुडन के ऊपर आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल सकता है आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया।